नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस बजटिंग ईएफएम सेकंड यूनिट संख्या थर्ड में प्रमाप लागत के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है और उसकी क्या एडवांटेज हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में क्या अंतर है, क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो इनका आज हम अध्ययन करेंगे। प्रमाप लागत यूनिट संख्या थर्ड की लास्ट यूनिट, लास्ट प्रश्नों में थ्योरेटिकल पोर्शनों की बात करें तो प्रमाप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण से संबंधित सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चनों का आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करें कि प्रमाप लागत विधि क्या है, उनका विचरण विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। कि प्रमाप लागत से तात्पर्य उन लागतों से है जो सामान्य स्थितियों में किसी विशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया में खर्च की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विशेष परिस्थितियां हों जिसमें प्रोडक्शन करते समय जो खर्च होंगी वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा। जैसे एक प्रत्येक निर्माता का जो उद्देश्य है वो उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए लाभ अर्जित करना चाहता है। संस्था के कुल लाभ की मात्रा उत्पादित वस्तु के विक्रय मूल्य, उसकी लागत तथा विक्रय की मात्रा से प्रभावित होती है, क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धा युग में विक्रय मूल्य का निर्धारण सामान्यतः बाजार की शक्तियों से द्वारा भी होता है कि कोई एक व्यक्तिगत निर्माता इसे निर्धारित नहीं कर सकता। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था को अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए उत्पादित वस्तु की लागत पर नियंत्रण करना बहुत अति आवश्यक है। इस हेतु हमें प्रमाप लागत विधि की आवश्यकता पड़ी या प्रमाप लागत विधि या महत्वपूर्ण तकनीकों में आती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रमाप लागत विधि क्या है या प्रमाप लागत क्या है, कि एक सामान्य स्थितियों में किसी विशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया में जो खर्च की जानी चाहिए वह प्रमाप लागत है। CIM लंदन के अनुसार भी ये कहते हैं कि प्रमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है जिसकी गणना प्रबंध द्वारा प्रत्याशित कुशल संचालन तथा संबंधित आवश्यक व्ययों के आधार पर की जाती है। इनका उपयोग मूल्य निर्धारण और विचरण विश्लेषण द्वारा लागत नियंत्रण हेतु किया जाता है। अब बात करेंगे प्रमाप लागत विधि की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। प्रमाप लागत विधि एक ऐसी प्रबंधकीय तकनीक है जिसमें प्रत्येक उत्पादन की प्रमाप लागत का निर्धारण करके उसकी वास्तविक लागत से तुलना की जाती है। अर्थात कहने का मतलब है एक ऐसी मैनेजमेंट तकनीक है जिसमें उत्पादन की प्रमाप लागत का निर्धारण करके वास्तविक लागत से तुलना की जाती है। इन दोनों में अंतर, जिसे हम विचरण कहते हैं, कि ये जानकर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है कि दोनों वास्तविक लागत और प्रमाप लागत में किस प्रकार से तुलना की जाए और उसको किस प्रकार से सुधार किया जाए। CIM लंदन के द्वारा भी प्रमाप लागत विधि को प्रमाप लागतों को तैयार करने तथा उनको प्रयोग करने, उसकी वास्तविक लागतों से तुलना करने और विचरणों का उसके कारणों एवं प्रभाव बिंदु के आधार पर विश्लेषण करने के रूप में परिभाषित किया गया है।
इस प्रकार परमाप लागत विधि एक ऐसी लागत विधि है जो लागत निर्धारण की किसी भी विधि या उपकार्य लागत विधि या प्रक्रिया लागत विधि आदि के साथ प्रयुक्त की जाती है। अब हम बात करेंगे परमाप लागत विधि की प्रक्रिया या उसका चरण। प्रोसेस और स्टेप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसा कि आप उपयुक्त परिभाषाओं से यह अध्ययन किया कि परमाप लागत विधि में निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें प्रथम है परमाप लागतों का निर्धारण करना, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि वास्तविक सामग्री श्रम उपरिव्यय के लिए परमाप लागतों का निर्धारण पूर्व अनुभव एवं प्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुमानों के आधार पर किया जाता है। अगला है वास्तविक लागतों की जानकारी करना, क्योंकि उत्पादन लागत या उत्पादन में लगी सामग्री श्रम व उपरिव्यय संबंधी वास्तविक लागतों की जानकारी की जाती है। तीसरी है तुलनात्मक अध्ययन, कंपेरेटिव स्टडी, परमाप लागतों एवं वास्तविक लागतों की तुलना करके भी इसे ज्ञात किया जाता है, जिसे हम विचरण कहते हैं। चौथा है विचरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, विचरणों का विश्लेषण करके इनके कारणों की जानकारी की जाती है और साथ ही इन विचरणों के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों अधिकारियों की पहचान की जाती है। अगला है पाँचवा सुधारात्मक कार्यवाही, करेक्टिव एक्शन, पर वास्तविक एवं परमाप लागतों की तुलना पर पाए जाने वाले प्रतिकूल अंतरों को दूर करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण प्रतिकूल या अंतर नियंत्रण योग्य नहीं है तो लागतों में कमी हो गई तो परमाप लागतों में सुधार किया जाएगा। तो इस प्रकार इसके 5 चरण हैं, जिसमें प्रथम हमने अध्ययन किया परमाप लागतों का निर्धारण, वास्तविक लागतों की जानकारी, तुलनात्मक अध्ययन और विचरणों का विश्लेषण और सुधारात्मक कार्यवाही। अब पढ़ेंगे हम परमाप लागत विधि के लाभ, एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिसमें प्रथम है निष्पादन मूल्यांकन एवं लागत नियंत्रण, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कॉस्ट कंट्रोल। इनके लाभों की हम चर्चा करें कि परमाप लागत विधि में वास्तविक निष्पादन का मापन करने के पश्चात परमाप से विचरणों का विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, इससे लागत पर नियंत्रण संभव हो पाता है। दूसरा बजटन में सहायक, हेल्पफुल इन बजटिंग, बजट की स्थापना और संचालन हेतु परमाप लागतों की जानकारी आवश्यक है। सामग्री लागत, श्रम लागत और उपरिव्यय के परमापों के आधार पर बनाया गया उत्पादन बजट भी अधिक प्रभावी होता है। तीसरा है उत्पादन लागतों में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यह प्रणाली में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, जिसमें सामग्री श्रम व अन्य व्यय सम्मिलित हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत में कमी भी आती है। अगले महत्व की बात करें, इम्पोर्टेंस की, बेहतर निष्पादन हेतु अभिप्रेरणा, मोटिवेशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। संस्था के कर्मचारियों अधिकारियों में इस तथ्य से अवगत होते हैं कि उनके कार्य का निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके लिए उन्हें उत्तरदायित्व तो ठहराया जाएगा, अतः वे लोग सावधानी और सतर्कता से कार्य करते हैं और उपलब्ध साधनों का कुशलता उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये प्रणाली उन्हें बेहतर निष्पादन हेतु अभिप्रेरित भी करती है। अगला इम्पोर्टेंस है स्कंद मूल्यांकन, इन्वेंट्री एलोकेशन, कच्चे माल, निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल के मूल्यांकन के आधार पर भी परमाप लागत का निर्धारण किया जाता है। इसे स्कंद मूल्यांकन के अन्य विधियों को अपनाने में लागतों में होने वाले उच्चावचनों से बचा जा सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली को अपनाने पर सामग्री स्कंद का केवल परिमाणात्मक लेखा रखा जाता है, मूल्य निर्धारण में भी सहायक है।
तो इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो प्रथम हमने पढ़ा निष्पादन मूल्यांकन एवं लागत नियंत्रण, बजटन में सहायक, उत्पादन लागत में कमी, बेहतर निष्पादन हेतु अभिप्रेरणा और स्कंद मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण में सहायक। अब पढ़ेंगे हम प्रमाप लागत विधि की स्थापना, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्रमाप लागत की स्थापना हेतु हमने कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं। प्रथम है लागत केंद्रों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर, जिसमें CIM लंदन के अनुसार यह कहा गया है कि लागत केंद्र को स्थान, व्यक्ति या उपकरण या मद या इससे संबंधित लागतें ज्ञात की जाती हैं एवं इसे लागत पर नियंत्रण के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार लागत केंद्र व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत भी हो सकती है। दूसरा है लागत मदों का वर्गीकरण एवं संकेतीकरण, क्लासिफिकेशन एंड कोऑर्डिनेट कोडिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आइटम्स। वास्तविक लागत संबंधी समंकों के शीघ्र संकलन हेतु विभिन्न लागत मदों का या विभिन्न लागत मदों को वर्गीकृत किया जाता है तथा प्रत्येक लागत मद को एक संकेत संख्या आवंटित की जाती है। तीसरा है प्रमाप का प्रकार निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप स्टैंडर्ड। स्थगित प्रमाप लागत की शुद्धता एवं प्रासंगिकता स्थापित प्रमाप की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। प्रमाप लागत विधि की स्थापना करते समय सामान्यतया निम्नलिखित प्रमापों पर विचार भी किया जाता है, जिसमें प्रथम है आदर्श प्रमाप, आइडियल स्टैंडर्ड्स। ऐसे प्रमाप जो सर्वोच्च संभव कुशलता के द्वारा प्राप्य क्रियाशीलता स्तर एवं सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाते हैं, आदर्श प्रमाप कहलाते हैं। चूंकि इन प्रमापों में वास्तव में प्राप्त होना असंभव होता है, कोई भी इसी गंभीरता से नहीं लेता है, तो इस प्रकार प्रमाप लागत विधि की स्थापना में लागत केंद्र की स्थापना, लागत मदों का वर्गीकरण और प्रमाप का प्रकार एवं निर्धारण होता है। इसी बिंदु में आदर्श प्रमाप, प्रमाप सामान्य प्रमाप, नॉर्मल स्टैंडर्ड। सामान्य प्रमाप ऐसे प्रमाप हैं जो सामान्य परिचालन परिस्थितियों में प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे सामान्य प्रमाप भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रमाप दीर्घकालीन अनुमानों के औसत पर आधारित होते हैं, क्योंकि दीर्घकालीन भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान यथोचित शुद्धता के साथ संभव नहीं होता है। अतः इनका नियंत्रण इस प्रकार की प्रमाप विधियों के अंतर्गत नहीं होते। दूसरा है तीसरा आधारभूत एवं मूल प्रमाप, बेसिक स्टैंडर्ड। ऐसे प्रमाप तभी काम में ले जाते तो दीर्घकालीन लागतों के मूल्यों में अपरिवर्तन रहने के लिए संभावना हो, तो वो मूल प्रमाप होंगे। चालू प्रमाप, चालू प्रमाप ऐसे प्रमाप होंगे जो आगामी बजट अवधि में प्राप्त करने की प्रबंध द्वारा आशा की जाती है, वो चालू प्रमाप होंगे। चौथा है प्रमापों की स्थापना, प्रमापों की स्थापना में मुख्यतया सामग्री लागत, श्रम लागत और उपरिव्यय को सम्मिलित किया गया है, जिनमें अपन आगे क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। इस प्रकार प्रमाप उपरिव्यय दर भी हम निकालें तो बजट अवधि के लिए प्रमाप स्थिर परिवर्तनशील उपरिव्यय बटे बजट अवधि के लिए बजटेड उत्पादन इकाई लागतों का भाग देके हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार प्रमाप घंटा स्टैंडर्ड होवर की हम बात करें तो ऐसे उद्योगों में जहां उत्पाद एक जैसे हों, उत्पादन की गणना तुलनात्मक रूप से सरल हो, परंतु जब एक संस्था विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करती है जिनका मापन अलग अलग भौतिक इकाइयों और किलोग्राम, टन, मीटर, लीटर इत्यादि में हो, तो विभिन्न विभागों में निष्पादनीय अतुल्य होंगे। ऐसी स्थिति में हम एक सार्वनिष्ठ इकाई का भी प्रयोग करेंगे, जिसे हम प्रमाप घंटा कहते हैं। प्रमाप घंटा एक काल्पनिक घंटा है जो एक घंटे में किए जाने वाले कार्य को प्रदर्शित करता है।
इस प्रकार परमाप घंटा कार्य की इकाई है न कि समय। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि परमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में क्या अंतर है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू।